कभी सुना है नाम आपने इकू का है? नहीं सुना। इकू एक अमेरिकी उत्पाद है, ये अमेरिका से आया हुआ है और ये प्योर ऑर्गेनिक है। इसके अंदर आप देखोगे कोई भी मार्केट से आप सीसी कैसी भी लेके आओगे उस पर जहर का निशान मिलेगा, देता है लाल हरा नीला और पीला, इस पर कोई जहर का निशान नहीं है। ये आप देखोगे ना इसको तो इस पर आपको किसी तरह का कोई भी पॉइजन नहीं मिलेगा। ये यूएसए अमेरिका से आया हुआ उत्पाद प्योर ऑर्गेनिक है और इसके अंदर जो चीज़ें हैं, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ह्यूमिक एसिड है, इसके अंदर अमीनो एसिड है, इसके अंदर विटामिन सी बी ई ए है, इसके अंदर सी बीट्स है, इसके अंदर माइक्रो एक्सट्रैक्ट है, इसके अंदर माइक्रो राइजा है और उन सब का जो टोटल है वो 100% है। तो हमारी ज़मीन को उपजाऊ और ताकत देने के लिए जो चीज़ें चाहिए हमें तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। जमीन स्वस्थ, जमीन ताकतवर, तो पैदावार अच्छी निकलेगी। निकलेगी नहीं निकलेगी, फसल कोई भी बोलो, गेहूं बो, जब भी जमीन ताकतवर चाहिए। भाई हल्की जमीन में हल्की पैदावार और मजबूत जमीन में बढ़िया पैदावार। अब फसल कोई भी बो, सरसों बो, गेहूं बो, कोई सब्जी लगाओ या फिर आप कोई कपास लगाओ या बाजरा लगाओ, तो जमीन की जरूरत जो है इकू है। जैसे हम जमीन से ले रहे हैं वैसे बदले में हमें उससे कुछ देना भी पड़ेगा, उसमें डालना भी पड़ेगा, जिससे कि हमारी पैदावार अच्छी हो। तो आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग अपने एक किले में कोई सी भी आप हो, वो टमाटर लगाओ, आप सरसों लगाओ, आप गेहूं लगाओ, किसी भी एक एकड़ में आप इसका इस्तेमाल करके जरूर देखें। डालने के इसके दो तरीके हैं। पहला, जब आप किसी भी बीज की बुआई करते हैं तब इस 4 किलो को DAP और बीज के साथ में मिला के जमीन में डाल सकते हैं। दूसरा तरीका इसका ये है कि जब आप अपना पहला पानी लगाते हैं कोई सी भी फसल में, जब आप अपना पहला पानी लगाते हैं तब उस पहले पानी के साथ आप इसको मिला के डाल सकते हैं खाद के साथ। अभी जैसे हमने देखा कि सरसों में कई जगह पानी लगने लग रहा है, तो आपके यहाँ प्रैक्टिस ये है कि पानी लगाने से पहले यूरिया के साथ मिला के आप लोग इसको डाल सकते हैं और सिर्फ डालो एक किले में। आपको पता चले कि भाई मैंने जहाँ ये कुछ पैसे इन्वेस्ट किए हैं तो वहाँ मुझे क्या लाभ हुआ है और जहाँ मैंने इन्वेस्ट नहीं किए हैं वहाँ मुझे क्या लाभ मिला है, क्या जो मैं पैसा खर्च कर